जब से पंजाबी सिंगर एक्ट्रेस हिमांशी खुराना ने बिग बॉस 13 में एंट्री की है, तब से घर में दो एक्ट्रेसेस का टशन देखने को मिल रहा है। एक तो खुद हिमांशी खुराना का और दूसरा शहनाज गिल का। दरअसल शो में आने से पहले इन दोनों की कंट्रोवर्सी हो चुकी है, और इतना ही नहीं, अब तो सोशल मीडिया भी दो गुटों में बट गया है। कोई शहनाज का साथ दे रहा है तो कोई हिमांशी का। लेकिन अब इन दोनों हीरोइनों की लड़ाई में एक तीसरी हीरोइन की एंट्री हुई है। जी हाँ, और ये तीसरी हीरोइन इन दोनों के बारे में काफी कुछ रिवील कर चुकी है। हम बात कर रहे हैं पॉपुलर पंजाबी एक्ट्रेस दिव्या शर्मा की, जो अब हिमांशी शहनाज की लड़ाई में कूद पड़ी है। दरअसल दिव्या ने हिमांशी खुराना को सपोर्ट किया है और वहीं शहनाज गिल को फेक बताया है। इंडिया फोरम से बातचीत में दिव्या शर्मा ने कहा है, मैं हिमांशी और शहनाज दोनों को जानती हूं, उन दोनों के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है। शहनाज गिल बिग बॉस हाउस में खुद को फेक दिखा रही है। उनके इस बिहेवियर की वजह सलमान खान और ऑडियंस का अटेंशन और सहानुभूति पाना है। दिव्या कहती है, हर इनोसेंस एंड किडिश बिहेवियर इज ऑल फेक जस्ट फॉर गेनिंग सिंपैथी फ्रॉम व्यूअर्स एंड होस्ट सलमान खान। और तो और, दिव्या ने खुलासा किया है कि वो और शहनाज पहले साथ रहते थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच लड़ाई हुई, जिसकी वजह से अब दोनों अलग हो गए। दिव्या ने शहनाज को अजीब इंसान बताया है। दिव्या का कहना है कि हिमांशी खुराना ने शहनाज पर जो भी आरोप लगाए हैं वो सही हैं। आगे दिव्या कहती है, मैं ये नहीं कह रही कि शहनाज बिल्कुल बुरी इंसान है, लेकिन हिमांशी ने उन पर जो आरोप लगाए हैं वो सच हैं। दूसरी तरफ हिमांशी की तारीफ करते हुए दिव्या ने कहा है, हिमांशी रियल हैं। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में लोग उनकी काफी इज्जत करते हैं, वो एलिगेंट और अच्छी इंसान है। अब हिमांशी और शहनाज की लड़ाई में कूदने के पीछे दिव्या का इंटेंशन क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर हमें तो ऐसा लगता है कि अभी शहनाज को लेकर कई और खुलासे हो सकते हैं जो गेम बदल सकते हैं।